हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। अरे कोई 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 हम लोग हैं। कौन है? अबे साले, अब क्या मेरी जान लेकर मानेगा? देख तो मेरी कितनी फटी पड़ी है। अरे मैं तो क्या सपने में मेरा नाचने को देख रहा था, क्या रोमांस करते हुए? मेरी भी तो फटी पड़ी है। तूने फिर सोए सपना देखा? अरे मैं तो कहता हूँ किसी गुप्त रोगी के डॉक्टर से तुम्हारा इलाज कराऊं, ताकि तू हमारे नींद में तबाही न मचाए। देखो, मुझे लगता है इस सपने से मेरा कोई लगाव है, नहीं तो बार बार एक ही सपना नहीं आता। मुझे सब क्लियर हो रहा है, वो जो करण अर्जुन का पुनर्जन्म का फंडा है ना, वो तेरे साथ भी है। ओए बस कर, कोई पुनर्जन्म नहीं होता, और तू डराना बंद कर। मुझे नहीं मालूम मैं हर रोज एक ही सपना क्यों देखता हूँ, और उस आईने में एक चेहरा दिखाई देता है जो कि मैं नहीं हूं। या तो मुझे हर रोज ऐसे ही डर के जीना पड़ेगा, या अगर सच्चाई है तो वहां पे जाना होगा, भानगढ़। अबे तेरे सपनों से तो मेरी ऐसे ही फटी रहती है, और तू उसे भूतिया जंगल में जाने की बात कर रहा है, मैं तो नहीं जाने वाला। अरे इस कलरफुल जिंदगी में अभी तक कोई छमिया नहीं आई, और तुम मुझे उस ब्लैक एंड व्हाइट भूतिया जंगल में ले जाकर मरवाना चाहते हो? मैं तो बिल्कुल नहीं जाने वाला। देखो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग भी परेशान हो, इसलिए इस राज को जानने के लिए मैं ही अकेला जाऊंगा। ओए रुक जा। अभी भी टाइम है, नहीं जाओ। मेरा सपना है यार, मुझे सुलझाना पड़ेगा। क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? मुझे जान दो यार, जाना पड़ेगा। ओए, हमें छोड़कर अकेले कहाँ निकल पड़े? आ जाओ, जल्दी आ जाओ। साला मुझे मालूम था तुम लोग जरूर आओगे, क्योंकि तुम लोगों को मेरे बिना अकेले ब्लॉगिंग वीडियो बनाने में मन ही नहीं लगेगा। कुछ भी हो यार, हम तीनों आज तक अलग अलग रहे हैं, जो आज सोच लिया कि अलग रहेंगे। वैसे तुम लोग जा कहाँ रहे हो? अरे भाई, इतनी डरावनी आवाज में क्यों पूछ रहे हो? आधी सांस तो पहले से लटकी है, और बची तुम बंद करोगे क्या? हम लोग भानगढ़ जंगल जा रहे हैं। वहां जो भी गया वापस नहीं आया। अरे साला, सपने से ज्यादा तो ये डरा रहा है मुझे। कहां से उठा लिया इसको? इन्होंने नहीं, मैंने उठाया है इन्हें। ए भाई, तू गाड़ी चला रहे और तू इतना मत डरा रहे हमें यार। दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं भानगढ़ के जंगल, और आज मेरे साथ है आईडी और शाहरुख। जा करके देखते हैं दोस्तों जंगल में नजारा कैसा होता है। और मुझे लगता है ना, अवतार में जैसा सीन बढ़िया बढ़िया दिखाया गया है, मुझे लगता है जंगल में वैसा ही सीन देखने को मिलेगा।
और हाँ, हम रात को वहाँ पे अपना कैंप डालेंगे और रात के एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे कि जंगल रात में कैसा लगता है। और उस जंगल का जो भी अफवाह है उसका पर्दाफाश करने का हम लोग प्रयास करेंगे। अफवाह नहीं, हकीकत है। आज से 5 साल पहले एक ब्लॉगर उस जंगल में गया था। उसके साथ कुछ घटना हो गई और वो फिर कभी नहीं लौटा। तब से वहां के लोगों का कहना है वह जंगल भूतिया हो गई है, वहां कोई आता जाता नहीं। अरे क्या, अरे हुआ? क्या हुआ भाई? सामने देखो। अरे वो उतना दूर तो खड़ा है, थोड़ा आराम से गाड़ी रोकता। यहाँ किसी भी चीज के ज्यादा करीब मत जाना। अरे यार, जंगल जाने से पहले तो इसका सस्पेंस मार डालेगा हमें। अरे बाबू साहब, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? भानगढ़ के जंगल जा रहे हैं। हमरा मानो तो यहीं से लौट जाओ, वहां कोई आता जाता नहीं। मैं तो पहले से ही बोल रहा हूं। अरे भाऊ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और मुझे भी, मैं तो इससे आगे नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं भी नहीं जाऊंगा। अरे बस करो यार, भूत तो कुछ भी नहीं होता। मैंने सपने में भूत क्या देख लिया, तुम लोग तो रियली मान बैठे। और उस पर ये सुलझा हुआ व्यक्ति मसाला लगा रहा है उसमें। कोई बात नहीं, ये मेरा सपना था और इसे मैं ही सुलझाऊंगा। तुम जैसे दोस्तों की मुझे जरूरत नहीं है जो अकेले रास्ता में ही छोड़ के चले जाए। हाँ हाँ, चाहे कुछ भी हो यार, हम लोग तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। ए तू गाड़ी बढ़ा रहे? सनी तू बता, भूत तो होता है क्या? अरे नहीं रे, मेरे को तो सिर्फ सपने में आया था ना। और तुझे क्या लगता है शाहरुख? अबे सालो, भूत की बात बंद करो, मेरी तो ऐसा ही फटती है। हाँ, यहाँ पे जिसकी फटती है उसकी कभी नहीं जुड़ती। अरे वो तो ठीक है, पर तुमने फिर से गाड़ी क्यों रोक दिया? इससे आगे मैं नहीं जा सकता, इससे आगे जो जाता है कभी वापस नहीं आता है। अरे हाँ सही है, जंगल जाने से पहले तो तुम लोग हम लोगों को मार दोगे, उससे तो अच्छा है हम लोग पैदल ही जाएंगे। हाँ हाँ, हम लोग पैदल ही जाएंगे। साला सांसें रुक गई है इन लोगों की बातें सुन सुन के। हाँ हाँ, चलो चलो पैदल ही चलते हैं। चलो चलो पैदल चलते हैं। अभी भी वक्त है, लौट जाओ। रुक साले, मैं तुम्हें बताता हूँ। छोड़ छोड़ दे, जा ले। मेरे दोस्तों को डरा डरा करके मुझसे दूर करना चाहता है। जा जा साला, डराता है। दोस्तों देखा आप लोगों ने क्या सस्पेंस मार मार के हम लोगों को हिला दिया था। अब हम लोग यहाँ से पैदल ही जाएंगे भानगढ़ के जंगल। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग भानगढ़ जंगल के बहुत ही करीब आ चुके हैं और ये पुल है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जंगल में और देख सकते हैं जंगल का नज़ारा बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप मुझे बताइए। जंगल में आने का भी एक अलग मज़ा है सनी। मेरे हिसाब से वहाँ पे अपना कैंप लगना चाहिए। वहाँ पे कैंप लगाना सही रहेगा ना? हाँ वहीं पे सही रहेगा। अरे यार, पहले कैंप निकालो, लगा लेते हैं यहाँ पे। यार बहुत भूख लगी है, पहले खा ही लेते हैं। हाँ पहले खा ही लेते हैं, बहुत भूख लगी है। चलो कोई बात नहीं है। यार तुम लोग एक चीज़ बताओ, मरने के बाद कैसा लगता है?
अरे तुम तो ऐसा पूछ रहा है जैसे हम लोग मर के फिर से वापस आए हैं और अपने मरने का एक्सपीरियंस तुम्हें बताएं। क्यों मैं साले, तुझे मरने की बड़ी जल्दी है क्या? अरे नहीं रे, हम लोग इतने घने जंगल में आए हैं, कहीं सच में कोई भूत किसी को मार दिया तो? साला तुम लोग इस जंगल में आने से पहले कई बार मर चुके हो, बेकार की बातें बंद करो, कैंप लगाओ, शाम हो चुकी है और थक भी गए हम लोग, तो आज हम लोग आराम करेंगे और कल से हम लोग अपना ब्लॉगिंग वीडियो शूट करेंगे। हाँ यार, आज सोते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। गया काम से तू बबुआ। अरे क्या हुआ? क्या? लेकिन वहां पे तो कुछ भी नहीं है। अरे अभी तो था वो आईना जिसे मैं सपनों में देखा करता था। साला मैं रात को पेशाब करने नहीं निकलता था और आज जंगल में घूमना पड़ रहा है। क्यों, रात को हगेस पहन कर सोता था क्या? अरे चुप करो, हम लोग जंगल के बहुत अंदर आ गए हैं। Ha 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 ha
ओए, उधर कहाँ जा रहा है? चलो अपने कैंप में वापस चलते हैं। ये पेड़ मुझे पता नहीं क्यों अजीब लग रहा है। अजीब है तो क्या हुआ, चलो हम अपने कैंप में वापस चलते हैं। हमने अपने दोस्त को खो दिया, तूने देखा कैसे छूते ही उस पेड़ में आग लग गई। हाँ सब मेरा ही गलती है, अगर मैं जीत किया रहता तो आज हम लोग का दोस्त बच जाता। चलो हमें यहाँ पे, हमें एक पल भी नहीं रुकेंगे। अगर हम लोग बाहर गए तो हम लोग भी मरेंगे। मैंने सुना है भूत प्रेत घर के अंदर नहीं आते, और ये भी तो एक प्रकार का घर ही है, तो हम लोग सुबह होने का इंतजार करेंगे। शाहरुख, एक बार घर जाने से पहले हम लोग फिर से उस जगह को देखा है। अरे अरे ये तो सनी है, ये तो सनी है, लेकिन कल पेड़ के साथ तो ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये जिंदा है, ये जिंदा है। आखिर कैसे, आखिर कैसे, आखिर कैसे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको हमें सपोर्ट करना है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दूसरा पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हम लोग का सपोर्ट हो जाएगा, और इससे बेहतर बेहतर वीडियो इस चैनल पे हम लोग लाने वाले हैं। हाँ दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा बना है।